Assalamu alaikum everyone, this is Mias Nainer from Caridar, and today we are here with our first owner's review. आज हम चौधरी उमर साहब के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इनके पास स्टेला है जो कि जिसको मूव भी कहते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। तो चौधरी साहब, आपके पास कौन सा मॉडल की गाड़ी है ये? जी मेरे पास 2015 मॉडल की सुब्रू स्टेला है। और आपने कब ली थी ये गाड़ी? ये मैंने 2017 के मिड में लाइक अगस्त में खरीदी थी। तो क्या चौधरी साहब आपका डिसीजन क्या था, आपने क्यों ये गाड़ी ली थी? एक्चुअली गाड़ी मैंने एक परचेज करनी थी, मतलब अपनी ज़रूरत के लिए। और तो मैंने काफ़ी सारी ऑप्शंस देखी इसके लिए, काफ़ी देर मैंने रिसर्च की। एक्चुअली इनिशियली मेरा बजट था 1 मिलियन के अराउंड था, लेकिन फिर आपको पता है जब आप मार्केट में निकलते हैं गाड़ी लेने के लिए, यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस देखते हैं, तो आपका बजट भी साथ साथ वेरी करता है। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ, मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी, लोकल गाड़ियाँ भी देखी और जैपनीज़ गाड़ी भी काफ़ी सारी मैंने देखी। तो लोकल वर्सेस जैपनीज़ में आपने जैपनीज़ गाड़ी क्यों कंसिडर की? पहले आपने लोकल गाड़ी भी देखी थी कि यार आपने सिर्फ जापानीज़ गाड़ी ली? नहीं, मैंने लोकल गाड़ियाँ देखी थी, रिकमेंडेड तो नहीं था, ऑब्वियसली आपने भी मुझे काफ़ी गाइड किया इसके बारे में, थैंक्स टू यू। लेकिन जो है क्योंकि मेरा बजट था इस तरह का और मुझे काफ़ी गाड़ियाँ वो भी देखना पड़ी, लेकिन एट दी एंड जो था मेरा माइंड में यही था कि JDM जो है मैंने परचेज करनी है, क्योंकि आप देखा जाए तो इसका कोई कंपेरिजन तो बनता नहीं है दोनों गाड़ियों का, लोकल गाड़ी हो और एक जापानीज़ गाड़ी हो। तो जैसे वैसा क्यों है, मतलब आपसे मैं जब भी बात करता हूँ आप कहते हैं लोकल और जापानीज़ में लोकल गाड़ी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ऐसा आपको क्यों लगता है? मतलब आपने कोई लोकल गाड़ी अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें तो वैगनार भी आपके पास ऑप्शन थी, कल्टस की भी ऑप्शन आपके पास आ सकती थी उस बजट के अंदर सुकर, तो क्यों मतलब अक्सर जो जापानीज 660 लोग गाड़ियाँ चला रहे होते हैं वो यही कहते हैं कि यार लोकल गाड़ी का मुकाबला ही नहीं है इस गाड़ी के साथ, तो आपको ये गाड़ी अंडर पावर नहीं लगती यार? 660 cc इंजन है वो गाड़ियाँ, फिर भी 1000 cc गाड़ियाँ हैं। बिकॉज आपको खुद ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन इसके इतने मल्टीपल फीचर्स की वजह से इसका मेरा नहीं ख्याल कि लोकल गाड़ी के साथ कोई कंपैरिजन बनता है, इसकी ड्राइव का और जो है इसके मल्टीपल फीचर्स का और स्मूथनेस का मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपैरिजन जो है लोकल गाड़ी, और इसके सेफ्टी के बारे में अगर आप देखें एयरबैग्स का और बाकी जो चीज़ें हैं, ये सेंसर, पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफरेंट सो मैनी ऑप्शन आर देयर। तो कितने एयरबैग आते हैं गाड़ी में? इस गाड़ी में 2 एयरबैग हैं, एक ड्राइवर सीट के लिए और एक पैसेंजर के लिए। जैसे भी इसके अंदर वेरिएंट्स कितने आते हैं बेसिकली? इस गाड़ी के अंदर मेजर वेरिएंट्स तो 2 हैं, वैसे तो मेरे ख्याल इससे ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेजर देखा जाए एक नॉर्मल वेरिएंट आता है जैसे कि आपने मूव में देखा होगा, इसी तरह स्टेला में एक स्टेला है और एक स्टेला कस्टम है। कस्टम जो है वो मतलब इसका मैक्सिमम जो है उसके फीचर्स वाली गाड़ी है, टॉप नॉच जो है उसके अंदर फीचर्स होते हैं उसमें। तो बेसिकली मैं बल्कि अपने व्यूअर्स को ये भी बताता चलूँ कि स्टेला में और मूव में ना कोई फ़र्क नहीं है, ये हमारी मार्केट ऐसी बन गई डीलर्स की वजह से कि डीलर्स ने एक ट्रेंड बना दिए कि जी स्टेला जो है मतलब सुबारो की गाड़ी है तो वो बिकती नहीं है, हालांकि इट्स अ वेल नोन ब्रांड। और इस तरह की बहुत गाड़ियाँ हैं, अगर आप पासो देखें तो टोयोटा की पासो आती है और डिहाटसो की बून के नाम से आती है, वो सेम गाड़ियाँ होती हैं, सिर्फ उनके मोनोग्राम का फ़र्क होता है। इसी तरह अगर हम ऑल्टो में देखें तो सुजुकी ऑल्टो आती है, उसी तरह की सेम गाड़ी अगर हम उसका सिर्फ मोनोग्राम चेंज कर दें तो वही गाड़ी मज़दा में कैरल के नाम से आती है और निसान ने पिनो के नाम से आती है। उसी तरह चौधरी साहब ने जब मेरे से मशवरा किया था इस गाड़ी का तो मुझे याद है कि आप पहले मूव लेने जा रहे थे जी, तो वो गाड़ी इनको समवेयर मेरा ख्याल है कोई 12.5-13 lakh की कॉस्ट करी थी मूव। फिर चौधरी साहब आपने ये गाड़ी कितने की ली थी? मैंने ये गाड़ी जो है 11.5 lakh की खरीदी थी 2017 के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि इतना इसमें प्राइस ब्रैकेट में फ़र्क आता है सिर्फ एक मोनोग्राम चेंज होने की वजह से, 1.5-2 lakh के करीब जो है डिफरेंस आपको नॉर्मली मिलेगा। तो अगर किसी ने भी गाड़ी रखने के लिए लेनी है, अगर फैमिली के लिए गाड़ी लेनी है, 3-4 साल अगर आपने गाड़ी चलानी है, तो 1-1.5 lakh रुपए का फ़र्क काफ़ी बड़ा फ़र्क है इस बजट के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्रांड कौन सा है, गाड़ी अगर सेम है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे गाड़ी कितनी चली हुई थी आपने जब ली? मेरी गाड़ी एक्चुअली मैंने काफ़ी देख के ढूंढ के ली, क्योंकि आपको जैपनीज़ गाड़ियों का भी नॉलेज होगा पाकिस्तान के अंदर, जो उनके हालात हमारे डीलर हजरात ने बनाए हुए हैं,
तो मैंने अपने जानने वाले थे जो कि आपने भी रिकमेंड किया मुझे, उनसे मैंने इस गाड़ी परचेज़ की जो कि उनकी सेल्फ इम्पोर्ट की गाड़ी थी और ये बहुत लो माइलेज, तकरीबन 4 से 5 हज़ार किलोमीटर के करीब सिर्फ चली हुई थी ये गाड़ी। तो सब जेन्युइन आपने चेक कराई थी ऑक्शन शीट? जी बिल्कुल जेन्युइन, मैंने ऑक्शन शीट वेरीफाई करवाई थी और गाड़ी की कंडीशन आपको बता रही थी। मैंने बहुत गाड़ियाँ ड्राइव की थी इससे पहले भी, मैंने JDM गाड़ी चलाई थी इन वैगन, लेकिन आपको ड्राइव, आपको फील, आपको बता देती है कि आपकी गाड़ी एक्चुअली चली कितनी हुई है। तो अब कितनी चल गई गाड़ी? इस गाड़ी को मैंने वैसे क्योंकि ये मेरी जो है स्पेयर कार के तौर पे यूज़ होती है तो बहुत कम ये चली हुई गाड़ी, अभी भी जो है 3 साल के बाद भी सिर्फ 25,000 किलोमीटर चली है सिर्फ। तो अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो कितनी को आपको एवरेज दे देती है गाड़ी? इस गाड़ी की एवरेज यही एक जो है, वैसे तो अब लोकल गाड़ी जो अब यानी कि 2020 के अंदर कुछ गाड़ियाँ या 2019 में आ रही थी उनकी एवरेज भी अच्छी है लोकल गाड़ियों की, लेकिन उससे पहले अगर आप कंपेयर करें तो आप ये गाड़ी जो है मुझे एयर कंडीशनर ऑन के साथ तकरीबन 18-19 किलोमीटर पर लीटर ठीक हो गया। और लॉन्ग पे आपको कितनी देती गाड़ी? आप लॉन्ग पे लेके गए इसको कभी? जी मैं इस गाड़ी को मरी और गली तक लेकर गया हूँ। अच्छा, तो कोई ट्रेवल किया हो कभी, आपको फील हुआ कि यार 6,000 की गाड़ी है तो अंडर पावर्ड फील हुई हो कभी? अंडर पावर की अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली आप 660 सीसी इंजन से जो एक्सपेक्ट करते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस भी वही हैं इससे, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये गाड़ी बिल्कुल मुझे अंडर पावर फील नहीं होती। जी, इसमें मुझे एक पावर का बटन भी इधर नज़र आ रहा है, तो ये जी क्या ये मतलब? एक प्लस पॉइंट था मेरे ख्याल 2015 मॉडल के अंदर ही जो है ना, ये इन्होंने मूव ने और चला जिस तरह मतलब बड़ी गाड़ियों में स्पोर्ट्स मोड टाइप होता है उस तरह की चीज़ें आपको इंस्टेंट टॉर्क में फ़र्क महसूस होता है? ऑफकोर्स, ये पावर जो है ये इसीलिए इन्होंने जो है ना टॉर्क में डिफरेंस अच्छा खासा आपको फील होता है, आपको पिक के अंदर डिफरेंस फील होता है और ये पावर मोड आप समझ लें इस गाड़ी का जो है ना, ये स्पोर्ट्स मोड है। सबसे अच्छे फीचर को क्या लगते हैं इस गाड़ी के अंदर? सबसे पहले क्योंकि मैं बहुत सेफ्टी कॉन्शियस हूँ तो सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो एयरबैग्स जो है मेरे लिए लिस्ट में नंबर 1 पे आता है इसका फीचर। ठीक हो गया। उसके बाद देखें तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं जैसे कि हीटेड सीट आती है, आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक लोकल गाड़ी से जो कि प्राइस में ये एक बेस वेरियंट है। जी ये एक बेस वेरियंट की गाड़ी है, ये मतलब फुल ऑप्शन कार नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर मुझे जो है ड्राइवर हीटेड सीट मिलती है। अच्छा, एक साइड पे हीटेड सीट मिलती है? जी, एक ही साइड पे हीटेड सीट? हाँ, सिर्फ ड्राइवर सीट पे जो है ना आपको हीटेड सीट का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, हेडलाइट एडजस्टमेंट है और पार्किंग सेंसर्स हैं इसके अंदर, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं और पावर विंडोज और इस तरह के बहुत बेशुमार ऑप्शन हैं जो कि इस गाड़ी के बारे में मुझे बहुत। और इसी को अगर हम मतलब और जापानीज गाड़ियों में कंसिडर करें, अगर कंपेयर करें, तो जाहिर है कि उनकी बेस वेरिएंट्स में आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन्स और पार्किंग सेंसर्स अक्सर नहीं मिलते। जी बिल्कुल, इसको सेलेक्ट करने की मेरी सबसे बड़ी वजह यही थी कि ये एक तो 2015 मॉडल मुझे मिल रहा था और इस 2015 मॉडल की वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेक्स जो थे वो बाकी गाड़ियों से बेहतर थे, यानी कि इसके बेस वेरियंट के अंदर आपको इतने फीचर्स मिलते हैं और आपको मतलब कि प्राइस भी उस रीज़नेबल मिल जाती है, तो इसलिए मैं इन वैगन देख रहा था इससे पहले जो कि मुझे 2013 मॉडल मिल रहा था। इसी के कंपेयर अगर आप करें उस वो एंड वैगन कस्टम थी लेकिन फिर भी मैंने इसको जो है ना प्रेफर किया। वो आपको किस प्राइस वैगन में मिली थी गाड़ी? वो मुझे मिल रही थी 11.5 से 12 के करीब, लेकिन वो ऑब्वियसली 13 मॉडल की गाड़ी। जी, 13 मॉडल की थी, वो 50,000 किलोमीटर चली हुई थी। अच्छा, और उसका एक पीस भी जो था वो रिपेयर्ड था, पेंटेड था, तो ये गाड़ी मुझे जनरल कंडीशन में मिल रही थी और मेरे ट्रस्टेड बंदे से मिली मुझे, बिल्कुल सही, इसलिए मैंने प्रेफर किया। और अगर हम इंटीरियर की तरफ चलें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कप होल्डर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पीछे भी मेरे ख्याल है इसमें कप होल्डर्स आते हैं। जी, आपके रियर जो सीट्स हैं उनके डोर्स के अंदर आपको कप होल्डर मिलते हैं और अगर आप फ्रंट साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे 2 सेपरेट मिलते हैं हर एक के लिए, मतलब ड्राइवर के लिए और पैसेंजर के लिए आपको सेपरेट मिलते हैं और इसके अलावा आपको इसके डैशबोर्ड के अंदर 2 और कप होल्डर मिलते हैं, यानी कि टोटल जो है वो 6 कप होल्डर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर हम एसी की तरफ चले, इसमें एनालॉग ही आते हैं या फिर इसकी मेरे ख्याल अपर वेरिएंट्स में आता होगा? जी इनके मैंने आपको जैसे बताया कि इसके अंदर 2 से 3 वेरिएंट्स आते हैं, उसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन है, पुश स्टार्ट का ऑप्शन है, फिर कस्टम आ जाती है, वो फुल ऑप्शन गाड़ी है, उसके अंदर ऑल फीचर्स जो है उन्होंने दिए हुए हैं, तो ठीक। लेकिन मेरी वाली जो इसमें ये एनालॉग है क्योंकि मुझे अच्छी प्राइस मिल रही थी तो मैंने ये चूज़ की। और अगर हम इसकी नेविगेशन की बात करें तो ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है जन्म आती है इसमें? जी, ये अगेन वही बेस मॉडल की वजह से इसके अंदर जो आफ्टर मार्केट जो है नेविगेशन आती है, कुछ इश्यूज हैं इसके अंदर लेकिन फिर भी जो है मेरे लिए इतना ही काफ़ी। बिल्कुल सही हो गया। और मतलब अगर हम आगे इसके कोई नॉन फॉल्ट्स की तरफ जाएं तो आपको कोई चीज़ मिस करते हो आप इस गाड़ी के अंदर या फिर अगर आपको कोई फॉल्ट्स अभी तक पता चले हो 3 साल के अंदर? फॉल्ट्स एज सच मुझे स्पेसिफिक गाड़ी के बारे में अब तक कोई ऐसा फॉल्ट नहीं था जो कि मैं क्लेम करता कि यार ये इसमें फॉल्ट निकला है, लेकिन
हाँ, मिस करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं अगर आप लॉन्ग पर हैं तो। ऑब्वियसली आजकल आप, क्योंकि वैसे देखा जाए तो लोकल मार्केट में तो आपको क्रूज जैसा नाम इस छोटी गाड़ी में नहीं मिल सकता, लेकिन क्योंकि अब मार्केट के अंदर ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि 660 के अंदर भी आपको क्रूज देती हैं, तो क्रूज एक मिसिंग पार्ट है मुझे फील होता है। चलिए साहब, मैंने तो बहुत सुना लोग आफ्टर मार्केट भी क्रूज लगवा लेते हैं गाड़ियों में, तो आपने ऐसा कोई ट्राई नहीं किया, कोई सोचा नहीं अगर आपको क्रूज इतना ज़्यादा एसेंशियल फीचर लगता है तो? मियाँ साहब, जैसे आप जानते हैं मैं गाड़ियाँ या जो भी चीज़ें परचेज करता हूँ मैं उनको बिल्कुल जैसे कंपनी उसको बना के देती है मैं उसमें चेंजेस बहुत कम करता हूँ। स्टॉक पसंद करते हैं? बिल्कुल, मैं स्टॉक अपनी चीज़ को रखता हूँ हमेशा, और 3 साल हो गए हैं मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इस गाड़ी के अंदर कोई भी चेंज लाया हो। और कोई अगर मेंटेनेंस की बात करें तो 3 सालों में क्या आपने इस गाड़ी में काम करवाया, कोई फॉल्ट है सालों में, एसी में कोई इशू आ गया हो या कोई ऐसा इशू हो? मुझे आज तक कोई फेल नहीं हुआ गाड़ी, मेरे लिए फिलहाल जीरो मेंटेनेंस। जनरल मेंटेनेंस जो है, मतलब अगर आप कहें कि ऑयल चेंज और ट्यूनिंग है, मैंने इसकी एक दफ़ा ट्यूनिंग कराई है 10,000 किलोमीटर के बाद, मैंने एक बार करवाई थी, और उसके बाद नॉर्मल ऑयल चेंज वगैरह। क्या कॉस्ट आती है आपको ऑयल चेंज के ऊपर? ऑयल चेंज इसका जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था तब तो मुझे तकरीबन 3,000 के करीब जो है इसका विद ऑयल फिल्टर जो है आपको कॉस्ट करता है, जो कि मैं नॉर्मली 3,000 से 4,000 किलोमीटर की ब्रैकेट के अंदर चेंज करवा लेता हूँ। ठीक हो गया, मतलब वो मोर और लेस 1 रुपये पर किलोमीटर। हाँ जी, ऑफ कोर्स ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। और कभी आपकी गाड़ी में कोई इंजन चेक की लाइट आ गई हो? अक्सर मतलब इस तरह होते हैं लोग 6,000 की गाड़ी है, क्योंकि जाहिर है ये तो, खैर अगर आप कह रहे हैं कि जेन्युइन चली हुई है तो बहुत लो माइलेज की गाड़ी है, वरना मतलब अक्सर गाड़ियों के ट्रंक मीटर टेम्पर्ड होते हैं, वो गाड़ियों के जो है ना वो कुछ अर्से के बाद चेक की इंजन लाइट आ जाती है। जैसा कभी आपने कोई एक्सपीरियंस किया हो कोई चीज़? जी जी, मैंने इसलिए आपको शुरू में बताया कि मैंने अपने ट्रस्टेड बंदे से ये परचेज़ की, और काफ़ी सारे रीजन से इसको परचेज़ करने के उनमें ये शामिल था कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ जो है जो कि आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाती है, कोई ऐसा चीज़ फेस ना करनी पड़े आपको। सही हो गया। अच्छा, ये मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि अक्सर स्पेसिफिकली 660cc इंजन्स के अंदर जो गाड़ियों के मीटर टेम्पर्ड होते हैं उन गाड़ियों में अक्सर जो है वो इंजन चेक की लाइट आ जाती है, और लोग इसको जो है ना वो बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन गाड़ियों में जो ज़्यादातर जो नॉन फॉल्ट्स आते हैं वो ये होता है कि या तो इसका ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो जाता है, और वो ख़राब भी इसलिए होता है क्योंकि इसके कैटलिटिक कन्वर्टर हम लोग साफ़ नहीं कराते, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे बाहर के मुल्कों में तो अगर कुछ अर्से के बाद आप कैट जिसको कहते हैं वो चेंज आप टोटली करा देते हो, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर वो बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्ट करते हैं, इसलिए उसको रिकमेंडेड ये कि आप 20-30,000 किलोमीटर जब आप गाड़ी चला लें तो आप एक बार अपने कैटलिटिक कन्वर्टर की पूरी सर्विस करा लें, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे इतनी मिट्टी वगैरह हर चीज़ होती है, और आपका जो ऑक्सीजन सेंसर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके कैटलिटिक कन्वर्टर के साथ, तो वो उससे आपकी गाड़ी का फ्यूल एवरेज भी फ़र्क पड़ता है, और साथ ही साथ आपकी गाड़ी की पिक में भी बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। तो और चॉइस अब अगर आप बताएं इस गाड़ी के बारे में, आपने कभी इसको बेचने की कोशिश की हो, कैसी आपको रीसेल इसकी कंसिडर की जाती है? क्योंकि वही बात है कि सुबारों की गाड़ी है तो पता नहीं गाड़ी बिकेगी कि नहीं बिकेगी, जो लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल आता है, तो आपने कभी कोशिश की हो या आपको माइंड बनाओ गाड़ी बेचने का? सबसे पहले तो 3 साल के अंदर गाड़ियों के मार्केट के अंदर आपको खुद भी बेहतर पता है कि इतना बड़ा चेंज आया है, इतना ड्रास्टिक चेंज आया है कि इतनी इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी गाड़ी जिस बंदे ने 3 से 4 साल पहले परचेज की थी वो लॉस में बेचेगा। सेकेंडली, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैंने सेल करनी है तो कुछ परचेज भी करना होगा, तो नेक्स्ट गाड़ी जब बंदा सोचता है तो उसको समझ नहीं आती, इसलिए और टू बी ऑनेस्ट ये गाड़ी मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती, कोई इसमें इशू नहीं है, मैं इसकी ड्राइव से इसके हर फीचर से मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इसको बेचने का भी मेरा फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। तो कैसे वैसे इसकी अभी जो मार्केट प्राइस है आपके ख्याल में क्या इसकी मार्केट प्राइस है? इसकी करंटली मुझे मेरे अपने एक दोस्त ने जो थी एक ऑफर दी थी, उसने मुझे कहा था कि वो उसको 15 में 3 लाख में परचेज कर लेगा, लेकिन मैंने अभी तक अपना माइंड बिल्ड नहीं किया हुआ था, तो वो ज़ाहिर है 15 लाख की गाड़ी बेच के फिर आपको इसी स्पेक्स की गाड़ी मेरे ख्याल इस वक्त अगर आप लेने जाएँ तो आपको 17-18 लाख में से बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप दोबारा इसी कंडीशन में जिसमें मैंने खरीदी इसमें कंडीशन में गाड़ी में खरीदें कोई, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस ब्रैकेट में दोबारा मिलेगी। अगर आप लोकल की बात करें, कल्टस की, या आप वैगन आर की बात करें, वो इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं कि वो भी 18 लाख को टच कर गई, कल्टस ऑलमोस्ट आपको 2 मिलियन मिलती है। जी बिल्कुल सही हो गया। तो अगर हम इसकी लेग स्पेस की बात करें तो आपने कितने लोग बिठाए हैं आज तक इस गाड़ी में, और आप नॉर्मली आपका क्या ड्राइव होती है, कितने लोग आपसे? लेग स्पेस भी एक बहुत बड़ा फीचर है जो कि हमने मिस कर दिया, मतलब आपको अगर एक नॉर्मल सेडान जो हमारे लोकल मार्केट में मिलती है उनकी रेयर सीट्स में भी इतनी स्पेस नहीं होगी आई बेट जितनी इस JDM के अंदर आपको रेयर सीट्स में मिलती है। मतलब मैं एक टॉल गाय हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं बड़ा ईजी और बड़ा कम्फर्टेबल फील करता हूँ अपनी सीट्स के अंदर, अगर मैं पीछे भी बैठूँ पिछली सीट से तो भी मैं बहुत कम्फर्टेबल रहता हूँ, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं तंग फील कर रहा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर।
मैंने इसके अंदर 5 पैसेंजर्स जो हम टोटल बैठ के, एक ड्राइवर और 4 पैसेंजर्स जो हैं साथ, टोटल 5 लोग बैठ के मैंने गाड़ी चलाई है और लॉन्ग पर नथिया गली तक गया हूँ। मुझे इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज़ फील नहीं। ऑब्वियसली आपकी फ्यूल एवरेज में कुछ फ़र्क पड़ता है जब आपका वेट बढ़ जाता है गाड़ी के अंदर, कुछ ये 2-3 बातें हैं। और सेकेंडली जो दूसरी बात है, क्योंकि गाड़ियाँ जापान मेड हैं, वो वहाँ की मार्केट, वहाँ की रोड्स के लिए बनी हैं, तो ये गाड़ियाँ बहुत लो होती हैं नीचे से, स्पेशली रोड क्लियरेंस आपको इशू फील हुआ है इसके अंदर। मुझे अक्सर अगर आपके पास 4 लोग बैठे हैं या 5 लोग बैठे हैं, हेल्दी लोग बैठे हैं साथ, तो ये गाड़ी जो है नीचे से आपको लगती है। उसका भी वैसे एक हल होता है कि अगर आपको ज़्यादा रोड क्लियरेंस का इशू हो रहा है तो आप एक साइज बड़ा टायर डलवा लें। जी नॉर्मली इसमें कितने 13 इंच के टायर आते हैं? जी 13 रिम के जो है ना उसके अंदर 13 इंच, बिल्कुल सही हो गया। या आप टायर की थोड़ी बहुत अगर चौड़ाई बढ़ा लेंगे तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है, लेकिन जाहिर है फिर उससे ना फ्यूल एवरेज काफ़ी काफ़ी चीज़ें और साथ इफेक्ट होती हैं। तो दूसरा, मैं गाड़ी को अगेन कस्टम में रखना पसंद करता हूँ। बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी मुझे एक आर्म रेस्ट नज़र आ रहा है, इसके अंदर सोफा सीट आती है। यहाँ पे भी आपने कोई बंदा कभी बिठाया? जी छोटा बच्चा अगर आपके साथ कोई है, एक एक्स्ट्रा पैसेंजर, तो बिल्कुल आप इस आर्म रेस्ट को उठा कर यहाँ पे उसको ईजिली फिटिंग कर सकते हैं। ओवरऑल वैसे तो मतलब कंफर्टेबल गाड़ी लग रही है। जाहिर है ये फ़र्क होता है जापानीज़ और लोकल गाड़ी के अंदर, कि इसके अंदर जो ओवरऑल अगर आप साउंड प्रूफिंग भी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। बाहर का मैं शोर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। तो खैर ये नाज़रीन आज की हमारी वीडियो थी। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको वीडियो पसंद आई। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइबड एट द मोमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट वी कैन कीप यू अपडेटेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।